घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण ने MHN प्राइम से खास बातचीत करते हुए बताया कि 10 जनवरी को कैमला में प्रस्तावित किसान पंचायत हर कीमत पर होकर रहेगी और सीएम मनोहर लाल पंचायत में शामिल होंगे। कैमला में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर हम हरविंदर कल्याण जी से बातचीत करेंगे। हरविंदर कल्याण किसान महापंचायत के आयोजक हैं। ये इस वक्त अत्यंत व्यस्त हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे कि किसान महापंचायत को लेकर जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अच्छी तैयारी चल रही है। 10 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो घरौंडा विधानसभा के गाँव कैमला में किसान जो महापंचायत है उसके अंदर शिरकत करेंगे और बहुत उत्साह है पूरे इलाके के लोगों के अंदर। यहाँ पर भी सभी बड़ी मात्रा में किसान भाई सब आए हुए हैं और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी घरौंडा विधानसभा को लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत की जो परियोजनाएं उद्घाटन और शिलान्यास के रूप में जो देंगे, मैं समझता हूँ कि घरौंडा विधानसभा जो पिछले 5 वर्षों में बहुत ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, जो बहुत ही एक पिछड़े हुए विधानसभाओं में उसकी गिनती आती थी, आज घरौंडा विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत अग्रणी विधानसभाओं में इसका नंबर आता है, जो कि एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष आशीर्वाद, जो उनका एक पूरे हरियाणा प्रदेश का समान विकास की जो नीति है, तो उसका एक बहुत लाभ और उसमें उत्साह भी एक लोगों के अंदर है। मिशन 2021 में क्या टारगेट रहेंगे घरौंडा के लिए? देखिए, 2021 कहें या फिर जो बचे हुए 4 साल जो हैं, मैं समझता हूं कि जितने भी विकास कार्य घरौंडा विधानसभा के बचे हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा और नई परियोजनाएं या जो भी और ज़रूरतें ऐसी इलाके की हैं उन कामों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। किसान महापंचायत को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर भ्रामक टिप्पणियां चल रही हैं कि होगी या नहीं होगी, संशय आप स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए, 10 तारीख की जो हमारी किसान महापंचायत है उसके लिए लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ लोग आएंगे और ये एक बहुत कामयाब ये कार्यक्रम रहेगा और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम एक नई दिशा इस कारण से भी देगा कि जो एक भ्रांति जो एक समाज के अंदर फैली हुई है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो विपक्ष ने एक गैर जिम्मेवाराना जो एक अपना रोल अदा किया है, तो वो भ्रांति भी इसी तरीके से दूर होगी जब एक खुलकर एक पक्ष सामने आएगा और लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में जो 3 कृषि कानून हैं ये ऐतिहासिक हैं और आने वाले समय में किसानों की तरक्की का एक रास्ता इससे खुलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि 10 तारीख का कार्यक्रम एक बहुत ही अहम इस नाते से भी रहेगा। धन्यवाद कल्याण जी। तो ये हैं हरविंदर कल्याण जो कह रहे हैं कि 10 तारीख की किसान महापंचायत होगी और एक कामयाब महापंचायत होगी और जो विपक्ष है उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, MHN न्यूज़, चंडीगढ़।